अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मायका व्लॉग है। ये देखिए, मेरा सारा सामान रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ मायके। ये देखिए, हमारी सवारी भी आ चुकी है, हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट की टाइम हो रही है हमारी। ये देखिए, मैं आ गई हूँ, सामान सारा हमारा रख गया है, बस हम निकलेंगे। और ये आ गए हम लखनऊ एयरपोर्ट पे, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। हमारी फ्लाइट में भी टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट कर लूँ। काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, काफ़ी प्यारा व्यू था, मैंने छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फंक्शन हॉल हो। ये देखिए, ये हमारी फ्लाइट अभी इसमें शो भी नहीं हो रही है, हैदराबाद के लिए, लखनऊ टू हैदराबाद। और हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, बस बोर्डिंग के लिए निकल रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी भांजी, तीन लोग थे, हम जा रहे हैं। ये देखिए हमारी भांजी, आगे मेरे हस्बैंड है और पीछे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये एयरपोर्ट के अंदर का व्यू है, हमने जा रहे हैं हम अपने बोर्डिंग के लिए। और ये मैं हूँ, मैंने बोर्डिंग हो चुकी है, सामान हमारा ले लिया गया, हम अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। और ये हमारी भांजी है, यानी मेरी ननंद की बेटी, ये भी हमारे साथ जा रही। और मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी अपना मास्क पहन लिया है। और इनको क्योंकि मिडिल की सीट अलॉट हुई थी तो इनको पीपी किट भी पहननी पड़ी। ये देखिए, फेस शील्ड लगा के बिल्कुल रेडी हो गए हैं कोरोना वॉरियर की तरह। ये देखिए और ये हमारी भांजी हंस रही है अपने मामू को देख कर। ये फ्लाइट के अंदर का थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट कर लिया था। ये मामू भांजी की नोकझोंक हो रही है। ये हम बस निकल रहे हैं, एक साल से ज़्यादा, 1.5 साल हो गया मुझे मायके गए हुए, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और ये हम लैंड कर चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। देखिए, हम हैदराबाद आ चुके हैं। ये हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर का व्यू है, ये देखें। और ये हम अपने सामान के लिए वेट कर रहे हैं, हमारा सामान अभी तक नहीं आया था, काफ़ी टाइम लगा, 15 मिनट करीब हमें सामान के लिए। और ये अगली सुबह का वीडियो है, ये मैं अपनी भांजी के लिए, भतीजी के लिए जो सामान लाई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लॉकडाउन में पैदा हुई थी इसलिए मैं आ नहीं सकी थी, अब आई हूँ मैं। ये उनकी रजाई है, ये ब्लैंकेट है, ये टॉप है छोटा सा, इतना प्यारा लग रहा है, देखिए क्यूट सा। ये मिनी स्कर्ट है, ये इनके शूज़ हैं, ये एक वूलन सूट है, ये इनके कुछ टॉयज हैं, डॉल है और ये टेडी बियर है, इनकी जैकेट है। सारा सामान सब लोग कह रहे हैं सिर्फ भतीजी के लिए लेकर आई हो क्या, मम्मी पूछ रही हैं। और ये लखनवी चिकन के प्यारे प्यारे सूट्स हैं, ये देखिए लखनवी चिकनकारी बनी हुई है। सबको ये चीज़ बहुत पसंद आई, छोटी बच्ची पर जब इतने पहनाए जाते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत सा सूट है चिकनकारी का, लखनवी चिकनकारी का। और ये मैं इनके लिए छोटी छोटी सी चूड़ियाँ लाई हूँ, बहुत प्यारी हैं, हालांकि उसको बड़ी हैं, अभी आई नहीं है, बाद में पहनेगी वो। और ये मैं उसके लिए चांदी के कड़े लाई थी, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी थी। ये जड़ा हुए हैं, देखिए मल्टी कलर के इसमें नग जड़े हुए हैं और उस पर बिटिया पे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैंने पहनाया। और ये उनकी नन्ही सी अंगूठी है, हालांकि उसकी उंगली में बड़ी है, अभी नहीं आ रही है उसको फिट, थोड़े टाइम के बाद आ जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, मैं अभी मायके में हूँ, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।